देवरी थाना अंतर्गत ग्राम रामगढ़ नहेरिया के विपरिया मौजे में विगत गुरुवार को गायब हुए दो मासूम बच्चे भाइयों की गुमशुदगी एवं सुखगोई नदी में शवों की बरामदगी के बाद हुए धरना प्रदर्शन एवं आरोप प्रत्यारोप के बाद पुलिस द्वारा रविवार को पत्रकारों को प्रेस नोट भिजवा कर मामले के खुलासे का दावा किया जा रहा है। जो आज कुछ दिनों पहले लापता हुई और उनके गुरुवार को लाश भी पानी में तैर उनका आज खुलासा हुआ है, उसको लेकर आज पेश किया गया, मतलब द्वारा बताया गया क्या है। मेरे पास जो सूचना है इसके तहत दो बच्चे थे, अमन और अनुज, पिता का नाम प्रकाश है। जब ये आता थे तो मन में हम लोगों ने टाइमी करी, तत्काल टिकट की और उसके बाद हमने ढूंढना शुरू करा। अपने जिस दिन हम लोग सूचना आई उस दिन शाम की लाश बनी है नदी से। इसमें जब पूरा हर एविडेंस के पूरा उन लोगों पूछने का आप लोगों से पूछताछ करी तो इस लोगों का ना दो बच्चे और उनके दो बच्चे हैं कृष्णा और बलराम, दोनों ही हैं, और उनके पिती राम गौड़, तीनों का नाम आया है। बच्ची लड़ाई थी तो लेके कि कभी और अनुज ने वो दोनों गुटखा कृष्णा और बलराम ये बात भाई को बता दी थी। इस बात को काफी गुस्सा थे वो इस बच्चों को बहाना करके पास ले गए, झटकी करके उन्हें में डाल दिया जिससे दोनों बच्चों की डूबना हो गई। और पिता भी चूंकि उन्होंने थोड़ा सा पुलिस को मिस किया और साइकिल बाई थी तो इस कारण उन्हें आरोपी बनाया गया है।